लेकिन अब एक बार फिर से केदारनाथ सज सवर कर तैयार है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो अंदर मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अंदर मौजूद है। अब आपको हम देखिए तीन तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ पहुंचे थे तब किस तरीके से में शिव भक्ति में लीन थे, जब महाकाल पहुंचे तब किस तरीके से शिव साधना करते हुए नजर आए, और जब जब केदारनाथ पहुंचे हैं तो आखिर शिव में किस तरीके से डूब जाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, शिव शक्ति करते हुए नजर आते हैं। और शिव और शक्ति को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, यही वजह है कि देखिए शिव के लिए हर बार कोशिश करते हैं कि केदारनाथ आए, तो शक्ति के लिए कोशिश करते हैं कि नवरात्र के 9 दिन जो हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी बिना कुछ खाए पिए व्रत रखते हैं 9 दिनों का। तो ये पीएम की साधना है, लेकिन केदारनाथ घाटी को सजाने संवारने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका जिम्मा उठाया था और अब वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ से, जहां पर पीएम मोदी मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। केदारनाथ धाम जो कि हिंदुओं का पवित्र स्थल है, पीएम मोदी को आप देख सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने उत्तराखंडी टोपी पहनी हुई है, उत्तराखंडी परिधान पहने हुए हैं जो वहां के लोगों को उनकी संस्कृति से जोड़ते हैं। और ये भी मान्यता है कि अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं लेकिन केदारनाथ जाए बिना जाते हैं तो यात्रा निष्फल मानी जाती है। यही वजह है कि अभी पीएम मोदी केदारनाथ में मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, समय समय पर उनकी शिव भक्ति देखने को मिलती है। छठी बार वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और उसके बाद वो बद्रीनाथ धाम जाएंगे, और ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कब कब वो यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये विशाल धाम है, ठंड काफी ज्यादा होती है, ऐसे में कपाट जो होते हैं वो अक्टूबर नवंबर महीने में बंद। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं केदारनाथ से, और जो यहाँ पर शिवलिंग मौजूद है, दरअसल ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसे में हर किसी की आस्था होती है कि एक बार अपने जीवन में केदारनाथ जाकर मत्था जरूर टेके। ॐ ॐ असदसाम्रो अरुणवतप्रभो सुमङ्गलः जेचेनघं रुद्रा अवेतो दिक्षुसृताः सहस्रसो वेग
चामर योर्जा